सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की भूमिका है महत्वपूर्ण। अदालत ने यह भी कहा कि लोकपाल की नियुक्ति के मामले में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने से उठ सकते हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष न होने पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के मामले पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की राय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत न देने का अपना फैसला बता दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वहीं जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव ने नेता प्रतिपक्ष पर सुप्रीम कोर्ट की बात को सही ठहराया। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। कांग्रेस ने खुद को विदेशी चंदा हासिल करने का दोषी ठहराए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को दी थी चुनौती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। राज्य में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अनशन पर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को पुलिस ने फिर से लिया हिरासत में। शर्मिला को बुधवार को ही किया गया था जेल से रिहा। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 59 अंकों की बढ़त के साथ 26,420 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 22 अंक चढ़कर 7,913 पर बंद हुआ। जापान के हिरोशिमा में लगातार हो रही भीषण बारिश से भूस्खलन में 39 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता। बचाव कर्मियों ने जताई मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। मशहूर व्यंग्यकार लेखक कहानीकार हरिशंकर परसाई की आज जयंती है। व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने में परसाई ने समाज के बड़े जटिल मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया। उनकी खास कृतियों में चिरऊ महाराज, पवित्रता का दौरा और अपनी अपनी बीमारी शामिल हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार से 20वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है। इस मेले में करीब 300 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। मेला 31 अगस्त तक चलेगा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में सफल रहे रेलवे के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख, रजत पदक विजेता को 20 और कांस्य पदक विजेता को 15 लाख रुपए प्रदान किए।